Hello everyone and once again welcome to members area of WsCube Tech YouTube channel. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about programmatic advertising. As promised कि जो members area है यहाँ पर आपको बहुत सारे short video courses मिलने वाले हैं, छोटे बहुत सारे video courses मिलने वाले हैं, बहुत in depth हम लोग कुछ unique topics को, कुछ special topics को हम लोग cover करेंगे members area में. कुछ videos single हो सकते हैं, यानी कि topic wise videos हो सकते हैं, series हो सकती है पूरी की पूरी. तो यहाँ पर मैं आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेस्ड एक सीरीज है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुई, राइज क्या था प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ओवरकम करती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है. बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम डिजिटल मार्केटर्स हैं जो समझते हैं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है और एक्चुअली दिस इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग है क्या. तो गाइज, स्टार्टिंग में क्या होता था, अगर हम बात करें ये एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम का, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम की मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में सपोज करते हैं कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, राइट, आपके पास ये कोई वेबसाइट है और इसके ऊपर जो आप कंटेंट डालते हो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कंटेंट डाल रहे हो और इसके ऊपर कंटेंट है और यहाँ पास पर आपके पास एक स्पेस है, यहाँ पर आपके पास स्पेस है, यहाँ पर आपके पास एक स्पेस है और आप चाहते हो कि यहाँ पर आप किसी का भी कोई एक्स पर्सन है, राइट, या एक्स पर्सन मान लेते हैं इसको, या कोई एक्स कंपनी है, इसका आप चाहते हो कि आप यहाँ पर इसका एड दिखाओ, राइट. अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, जैसे शुरुआत में होती थी, ठीक है, कि आप यहाँ चाहते हो कि आप इसका ऐड दिखाओ, तो आप हो गए एक्चुअली पब्लिशर, राइट, आप पब्लिशर साइड हो गए और ये एक्स पर्सन या जो कंपनी है ये एडवर्टाइजर साइड हो गया, राइट. आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई भी कंपनी, अब एक्स मैंने एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई भी कंपनी हो सकती है, बस आपकी रिक्वायरमेंट ये है एज पब्लिशर कि यहाँ पर एड दिखना चाहिए. तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई मीडिएटर्स नहीं थे, कोई एड एक्सचेंजेस नहीं थे. तो शुरुआत में जब ये चीजें नहीं थी, कोई मीडिएटर्स नहीं थे, कोई एड एक्सचेंजेस नहीं थे, तो डायरेक्टली होता क्या था, डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट करते थे यहाँ से, ठीक है. ये सपोज करते हैं इसके ऊपर अगर आपको एड जो है दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक्स पर्सन का एड दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्स पर्सन से कॉन्टेक्ट करते थे, डायरेक्ट ह्यूमन, पूरा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पर. कुछ नेगोशिएशन भी होते थे, वो बोलते थे कि हम इतना रुपए देंगे, बोलते नहीं इतना रुपए लगेगा, इतने दिन का इतने रुपए लगेंगे, राइट. यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. धीरे धीरे जब ये एडवर्टाइजिंग सिस्टम और ज्यादा थोड़ा सा इवॉल्व हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई. अभी तक आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी कि शुरुआत में क्या हुआ कि जब एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी होती थी, वहां पर कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं था, कोई मीडिएटर नहीं था, कोई एड एक्सचेंज सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था. सीधे पब्लिशर को और जो एडवर्टाइजर है उसको आपस में कॉन्टेक्ट करना होता था, ठीक है. ह्यूमन जो निगोशिएशंस हैं वो ज़्यादा थे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था. टाइम बीता और हुआ क्या, एक्चुअली जो वेबसाइट्स हैं, राइट, अगर हम बात करें वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ इसको 100 और जो एडवर्टाइजर्स थे जिनको अपना एड दिखाना था वो एडवर्टाइजर्स कम हो गए, राइट, वो एडवर्टाइजर्स कम हो गए, यहाँ पर वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हो गई. अब वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हो गई तो हुआ क्या, स्पेस बहुत ज्यादा हो गई. इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, एडवर्टाइजिंग के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि वेबसाइट्स बहुत ज्यादा थी. अब यहाँ पर कुछ कम ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, एक्स वाई जेड, ये बहुत से कम लोग हैं, या मान ले बहुत कम कंपनीज जो अपना एड दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया, डिमांड सप्लाई एक गैप यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया, राइट. डिमांड कम हो गई और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बीच बीच में एड नेटवर्क्स डेवलप हो गए, कुछ एड नेटवर्क्स डेवलप हो गए. वो एड नेटवर्क्स क्या करते थे, इनसे कोई स्पेस खरीद लिया, जैसे इनके पास कोई स्पेस है, ये पर्टिकुलर स्पेस है, राइट, यहाँ पर जो अलग अलग वेबसाइट्स ओनर थे इसके पास कोई स्पेस है, तो एड नेटवर्क्स ने इनकी स्पेस को खरीद लिया. फॉर एग्जाम्पल ये पूरी स्पेस जो है वो खरीद ली 100 रुपए में, पूरी स्पेस इन्होंने 100 रुपए में खरीद ली, और अगर ये वही इतनी स्पेस खरीदते पहले, इतनी स्पेस खरीदते तो इनको कॉस्टली पड़ती. एक्चुअली इन्होंने किया क्या, एड नेटवर्क्स ने बल्क में स्पेसेस
खरीदनी शुरू कर दी, जब बल्क में स्पेस खरीदनी शुरू कर दी तो इनको सस्ती स्पेस मिलने लगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज थी, ये स्पेस वो प्रीमियम पोजीशन नहीं थी। हर वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रीमियम पोजीशन होती है ना, जैसे ये एक वेबसाइट है तो यहाँ पर ये एक प्रीमियम पोजीशन है, तो ये वहां पर वो चीज नहीं थी कि यहाँ पर वेबसाइट में ये प्रीमियम पोजीशन मिल रही थी। प्रीमियम पोजीशन तो उस वक्त भी डायरेक्टली ही सेल हो रही थी, एड नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बाद भी प्रीमियम पोजीशन डायरेक्टली वैसे ही सेल होती थी। या तो पब्लिशर एडवर्टाइजर से कॉन्टेक्ट कर लेता था या एडवर्टाइजर पब्लिशर से कॉन्टेक्ट कर लेता, वो प्रीमियम पोजीशन तो बिक जाती थी, बट जो बची हुई जो पोजीशंस होती थी उनको एड नेटवर्क्स डायरेक्टली खरीद लेते थे। अगर ये डायरेक्टली खरीद लेते बहुत सारी स्पेस इनके पास हो जाती थी, और फिर उस स्पेस में से थोड़ी थोड़ी स्पेस या इस लोकेशन को किसी को बेचा, इस लोकेशन को किसी को बेचा, इस लोकेशन को किसी को बेचा, ये सारी चीजें चलने लगी। इस तरीके से जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, वो थोड़ी सी ग्रो होनी शुरू हुई। बट यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि किसी भी तरीके की ट्रैकिंग नहीं थी, राइट? किसी भी तरीके की ट्रैकिंग नहीं थी। वेबसाइट के ऊपर एड तो दिखने लगा, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ट्रैकिंग हो रही कि नहीं, कितने लोगों ने एड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ये केवल मैगजीन टाइप की चीज थी, एक मैगजीन में आपने एड दे दिया, अब उसको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो थी ट्रैकिंग की, राइट? एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो थी ट्रैकिंग की, और एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी जो थी टारगेटिंग। अब ये दो प्रॉब्लम्स थी जो अभी तक चल रही थी, ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स यहां पर हो गए, यहां पर एलिमेंट्स हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा पब्लिशर, ठीक है, एक हो गए हमारे एड नेटवर्क्स, एड नेटवर्क्स हो गए, एक हमारा हो गया एडवर्टाइजर, राइट, और अभी भी ये दोनों प्रॉब्लम्स थी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो था प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, या हम कहें रियल टाइम बिडिंग, राइट। सो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में चीज होती है रियल टाइम बिडिंग, उसको यूज किया जाने लगा, और उसको यूज करके हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में एंटर कर चुके थे, राइट। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की जो शुरुआत हुई वो रियल टाइम बिडिंग से हुई। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग और बहुत आगे चीजें हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग जो है एड नेटवर्क्स हैं, अलग अलग जो है एड एक्सचेंज है, जैसे आज के टाइम में जो बहुत पॉपुलर एड एक्सचेंज है विच इज डबल क्लिक एड एक्सचेंज, ये बहुत पॉपुलर एड एक्सचेंज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डबल क्लिक एड एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। अब तो ये गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज हो गया है, डबल क्लिक को गूगल ने एक्वायर किया था, ये गूगल डबल क्लिक था, अभी ये गूगल का जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ मर्ज हो चुका। तो अगर गूगल पे सर्च मारेंगे गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो आप समझ जाएंगे, वहां पर आपको डबल क्लिक दिखाई देगा, तो आपको उसके बारे में एक ओवरव्यू लग जाएगा। मैं उन सारी चीजों के ऊपर भी आऊंगा, बट अभी आपको समझना है कि ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का राइज क्या हुआ। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉब्लम थी इसने राइज दिया प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब जरूरत इस बात की थी कि टारगेटिंग हो सके, तो रियल टाइम बिडिंग हुई। रियल टाइम बिडिंग का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर पब्लिशर की वेबसाइट के ऊपर एड तो लगा था, लेकिन अगर 15 साल का कोई पर्सन आ रहा है, 25 साल का कोई पर्सन आ रहा है, 30 साल का कोई पर्सन आ रहा है, 40 साल का पर्सन आ रहा है, तो उसको यही एड दिखना है, राइट। हम ट्रैक भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की टारगेटिंग नहीं थी। बट रियल टाइम बिडिंग में, रियल टाइम बिडिंग में ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई। अगर यहाँ पर 25 साल का कोई पर्सन आता है, देन जो हमारा एड एक्सचेंज है उसको एक इंफॉर्मेशन जाती है, उसको एक डिटेल जाती है कि भाई यहाँ पर एक 25 साल का जो है पर्सन वो यहाँ पर आया हुआ, और उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाती है एड एक्सचेंज के बाद, और उसके बाद वहाँ से एड यहाँ पर शो होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का पार्ट। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि आखिर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का राइज क्या था, कैसे शुरुआत हुई। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का अगर हम कहें जो बेसिक फाउंडेशन है वो इस बात के ऊपर है कि किस तरीके से ट्रैकिंग को एफिशिएंट बनाया जाए। इसी सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे पूरे जो ये पूरी सीरीज है उसमें, कि किस तरीके से प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ने ट्रैकिंग को एफिशिएंट बनाया, किस तरीके से प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ने टारगेटिंग को एफिशिएंट बनाया, और आज हमारे पास कौन कौन से ऐसे एड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग करते हैं, रियल टाइम जो स्पेसेस हैं
उनकी सेल और परचेज होती है। सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।